धोनी का ऑटोग्राफ लेने के लिए फैंस की लाइन में लगे सुनील गावस्कर, जब आई बारी तो इस हरकत से माही ने लूट ली महफिल। मैदान में होने लगा धोनी धोनी। क्या एमएस धोनी का हो सकता है ये आईपीएल का आखिरी सीजन? आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच खेला गया। ये सीएसके का उनके होम ग्राउंड पर लीग स्टेक का आखिरी मैच था। इसमें भले ही टीम को हार मिली हो, लेकिन मैच के बाद एमएस धोनी ने मैदान में मौजूद सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। मैच खत्म होने के बाद धोनी ब्रिगेड ने पूरे मैदान के चक्कर लगाए और मैच देखने आए फैंस को धन्यवाद कहा। इस दौरान उन्होंने चेन्नई के फैंस में कुछ गिफ्ट भी बांटे। इसे देखकर कई दर्शकों के चेहरे पर खुशी की लहर थी, वहीं बाकी लोग इमोशनल भी हो रहे थे। चेन्नई सुपर किंग्स का ये प्रोग्राम चल रहा था, तभी बीच में भारतीय लेजेंड बल्लेबाज सुनील गावस्कर माही का ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए। उन्होंने अपनी शर्ट की जेब के पास धोनी से सिग्नेचर करवाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये पल बेहद ही खास था। बता दें कि आईपीएल 2023 की शुरुआत से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये चैंपियन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी सीजन हो सकता है। धोनी ने अपने होम ग्राउंड एमए चिदम्बरम में अपने फैंस के आगे आखिरी आईपीएल मैच खेलने का वादा किया था। ये लीग स्टेज में सीएसके का इस मैदान पर आखिरी मैच था। अगर टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाती तो ये धोनी का चेपॉक में आखिरी मैच हो सकता है। मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई के शुरुआती 6 ओवर के बाद एक विकेट के नुकसान पर 52 रन बनाए। अच्छी शुरुआत के बाद चेन्नई के विकेटों का पतझड़ लग गया और 72 के स्कोर तक 5 विकेट गंवा दिए। मुश्किल घड़ी में शिवम दुबे ने नाबाद 48 रन की पारी खेलकर सम्मानजनक स्कोर बनाया। जवाब में कोलकाता ने 33 के स्कोर तक अपने 3 बल्लेबाज खो दिए। मुश्किल घड़ी में रिंको और नीतीश ने 99 रन की साझेदारी कर टीम को जीत दिला दी। गौरतलब हो कि चेन्नई सुपर किंग्स अगर ये मैच जीत जाती तो प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम भी बन जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चेन्नई की बल्लेबाजी बहुत खराब रही। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करनी उतरी चेन्नई की शुरुआत बेहद खराब रही। गायकवाड़ ने 17 रन तो कौन भी मात्र 30 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद रहाणे भी 16 रन पर आउट हो गए। शिवम दुबे ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 34 गेंदों में 3 छक्के और 1 चौके की मदद से नाबाद 48 रन बनाए। वहीं धोनी 2 रन बनाकर नाबाद रहे तो जडेजा ने 20 रन का योगदान दिया। वहीं गेंदबाजी में सिर्फ दीपक चाहर ही 3 विकेट चटका सके। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।